हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये 12 अप्रैल 2021 का एक प्रकार से करंट अफेयर का टॉपिक है, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो लिथियम वाहन में जो इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरी डाली जाएंगी उसका जो है कहाँ पे निर्माण किया जाएगा, उसका संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो वो कर्नाटका राज्य में जो है संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अगर जो लिथियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, लिथियम का रासायनिक एक प्रकार से ये रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में इसको रखा जाता है। यहाँ तक ये धातु होने के बाद भी इसे चाकू से नुकीली चीज से भी आसानी से काटा जा सकता है। ये इसके प्रॉपर्टी है कि इसे नुकीली चीज से या चाकू से भी आप काट सकते हैं, या फिर भी या क्या है, धातु है। और इस पदार्थ से बनी बैटरी काफी जो है हल्की होने के कारण आसानी से जो है रिचार्ज हो जाती है। अब यहाँ पे हल्की की बात, अगर ये चाकू से आसानी काटी जा रही है, तो इसी प्रकार से पारा की अगर जो बात करें तो वो पारा जो है सामान्य टेम्परेचर पर वो क्या है, द्रव है। तो वो इससे भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो तो ये सामान्य टेम्परेचर पर चाकू से काटी जा सकती, लेकिन वो जो है एक प्रकार से द्रव है। और लिथियम की अगर जो बात करें, लिथियम का जो चिन्ह होता है Li होता है, और लिथियम का अगर जो परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो 3 होता है। ये S ब्लॉक का जो एक प्रकार S ब्लॉक में जो है पाया जा एलिमेंट है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसका परमाणु क्रमांक 3 है। और पहले में जो है हाइड्रोजन रखा गया, और इसी प्रकार से 18th ग्रुप जो है उसमें हाइलोजन ग्रुप जिनको बोलते हैं उसमें जो है हीलियम को रखा गया है। तो ये आवर्त सारणी की हम बात कर रहे हैं कि पहले में हाइड्रोजन रखा गया, और यहाँ पे फिर पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया, दूसरे आवर्त में जो है लिथियम को रखा गया है, दूसरे आवर्त के इस ब्लॉक में जो है लिथियम को रखा गया है। ब्लॉकों में डिवाइड है, पहला जो ब्लॉक है एस, दूसरा जो ब्लॉक है पी, तीसरा जो ब्लॉक है वो डी। एस में 2 है, पी में 10 है, 10 एलिमेंट हैं, और डी में कितने हैं, प्रत्येक आवर्त में एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ आवर्त को छोड़ के प्रत्येक आवर्त में पहले दूसरे तीसरे को छोड़ करके बाकी सब में 18 एलिमेंट्स जो हैं वो रखे गए हैं। और लेंथेनाइट एक्टिनाइट की अगर जो बात करें तो ये फ्लाक में उनको रखा गया, लेकिन उसको 57 में जगह दी गई है, तो वहां की उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन पी ब्लॉक में जनरली 10 जो है कॉलम है, और डी ब्लॉक में जो है वो 6 कॉलम है, जिसके तहत मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट्स को जो है विन्यासित किया गया है, रखा गया है। तो भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी पॉट्स जो है अब कर्नाटक में जो है बनाया जाएगा, ये जो है बात की जा रही है। वर्तमान में चीन एकमात्र देश है जो लिथियम बैटरी 80% जो है लिथियम की बैटरियों मतलब पार्ट्स विश्व भर में क्या करता है, निर्यात करता है। चाइना ही एकमात्र ऐसा क्या है वो देश है। भारत में इस कदम के उत्पादन में चीनी एकाधिकार को क्या करना है, खत्म किया जा सकेगा, और चीन की निर्भरता को कम करने की भी बात हो सकेगी, जिससे हमारे देश में अगर जो इसका निर्माण होने लगा तो चीन का प्रोडक्ट हमारे देश में आयात होना कम हो जाएगा, और विदेशों में भी चीन के आयात जहां जहां पर सप्लाई हो रहे होंगे वहां पर हमारे देश का माल पहुंचने लगेगा, जिससे उस देश चीन की जो है एक प्रकार से उस पर चीन की उस देश पर भी चीन की निर्भरता को खत्म करने में हमारा देश जो है सहायक होगा। कर्नाटक की अगर जो बात करें, कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है। अगर जो मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के बीएस येदियुरप्पा जो है बीजेपी पार्टी से रिलेटेड हैं। और कर्नाटक के अगर जो गवर्नर की बात करें तो बाजूभाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और कर्नाटक के इसरो का जो है मुख्यालय, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश जो है अभय श्रीनिवास वो कहाँ है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना तो याद रखना, नहीं कोई जरूरी नहीं है। कर्नाटक में लोकसभा सीटें जो है 28 सीटें हैं, एक नजर में इसको पढ़ लीजिए, 28 सीटें हैं, 12 जो है सॉरी कर्नाटक में जो है लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 12 हैं, विधानसभा की सीटें जो है 224 पे इलेक्शन हुए, 225 सीटें हैं। कर्नाटक में अगर जो 6 पड़ोसी राज्य हैं एक प्रकार से, कौन कौन से 6 पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में जान लीजिए, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है। ये 6 जो हैं एक प्रकार से उसके पड़ोसी राज्य हैं जो इसको टच करते हुए हैं। अगले अगर जो बात करें, कर्नाटक में हवाई अड्डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी हवाई अड्डे से अगर जो कर्नाटक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। पहला जो हवाई अड्डा है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो बेंगलुरु में है, कौन है, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा।
ये बंगलुरु में है, मंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मंगलोर में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगलोर तो आप जान रखेंगे, इसको नहीं पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये मंगलुरु में है। कर्नाटक में प्रमुख अगर जो बांधों की बात करें तो कृष्णा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध जो किस नदी पर बना है, वो कावेरी नदी पर बना है। आपसे एग्जाम ये नहीं पूछेगा कि कृष्णा सागर राजा सागर बांध किस राज्य में है, ये भी पूछ सकता है वैसे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस पे पूछेगा, किस नदी पर बना है, जो अब इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नदियों से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे, नदियों और बांधों से रिलेटेड, तो कावेरी नदी पर बना है। तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पर बना है, ये कर्नाटक में है, तो इसको ऐसे पूछ सकता है तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है, वो कर्नाटक में है, ऐसे नहीं पूछेगा किस नदी पर बना है, तुंगभद्रा नदी तो साफ साफ दिख रहा है। सुपा बांध जो है वो काली नदी पर बना है, सुपा बांध जो है वो कहाँ पे बना है, यहाँ दोनों से तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुपा बांध किस नदी पर बना है, वो काली नदी पर, कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। अलमाटी बांध की अगर जो बात करें तो ये कृष्णा बांध नदी पर बना हुआ, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरह से पूछ सकता है कि कर्नाटक में और अलमाटी बांध कहाँ पर है और कृष्णा नदी पर कहाँ, किस नदी पर बनाया गया है। हेमावती बांध किस पर बनाया गया, कावेरी नदी पर बनाया गया, दोनों तरह से इसको भी पूछ सकता है, इसको भी याद रखिए। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर जो बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक का है, और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी एक प्रकार से कर्नाटक में है, इसको भूलना नहीं। अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है एक प्रकार से ये भी कर्नाटक में है, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोलते थे, अब इसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे अब कहने की बात है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस प्रदेश से रिलेटेड है, जनरली जो क्वेश्चन होता है यूपीएससी पूछता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए जो जाना जाता है, किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो ये बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है जिनके बारे में आप याद रखिए, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में ये स्थित है। अगला अगर जो क्वेश्चन इसके बारे में जान करें, भारत में पहला कौन सा कब क्या था, देश का जो पहला इग्लू कैफे कहाँ पे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में इसको खोला गया, देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया, चंडीगढ़ में किया गया। आनंद गुजरात देश की जो है पहली शहर प्रयोगशाला खोली गई है, कहाँ पे है, आनंद एक प्रकार से गुजरात में पहली शहद प्रयोगशाला जो है खोली गई, शहद का जो है परीक्षण करेगी। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन चुका है, एक प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप जो है एक प्रकार से पहला प्रदेश वो केंद्र शासित प्रदेश बना है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं इसको एग्जाम के। अगला क्वेश्चन है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड के द्वारा किस बैंक को जो है इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है, वो डीबीएस बैंक को जो है एक प्रकार से सम्मानित किया गया है। डीबीएस की अगर जो बात करें तो एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स का उद्देश्य क्या है, बैंकों की पहचान करना है जिनके पिछले महीनों में जो है 12 महीनों में प्रमुख बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। डीबीएस को बैंक में देश में इसके संचालन एवं सेवाओं को नगद प्रबंधन तथा ट्रेड फाइनेंस एवं फॉरेन एक्सचेंज की मजबूती और पूंजी बाजार व्यापार की सुविधा के आधार पर भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है इसको चुना गया है। डीबीएस का अगर जो बात करें तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इसका फुल फॉर्म है, और 16 अप्रैल स्थापना जो हुई थी इसकी 16 जुलाई 1968 को हुई थी, और मुख्यालय इसका सिंगापुर में ही है, और चेयरमैन इसके अगर जो बात करें तो पीटर से है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वैसे तो सिंगापुर लिखा हुआ है तो आप बता सकते हैं, लेकिन स्थापना उसकी पूछी जा सकती है कब हुई थी, 16 जुलाई 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला इसके बात करें तो सीईओ जो है इसके पीयूष गुप्ता है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं पूछे गए। टॉप 5 अवार्ड किस किस को दिए गए हैं, कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसको सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, विश्व भूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। 6वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को एक प्रकार से चुना गया है, जो थप्पड़ फिल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म से चुना गया है। और किस बैंक को एशिया मिनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर द SME चुना गया है, वो HDFC बैंक है। 2010 में 23वीं
2010 में 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर सनन कुमार लिम्बाले को जो है दिया गया है। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को एक प्रकार से सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 में इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? जसपाल को जो एक प्रकार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना के एक प्रकार से उप प्रमुख बने हैं, डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी को जो डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी को इनको जो है बनाया गया है। अगर जो हम इंडियन आर्मी की बात करें तो ये भारतीय थल सेना जो इसका जो है एक प्रकार से हिंदी नाम है। और स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को इसकी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका जो है नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। थल सेना अध्यक्ष बात करें तो जनरल मनु मुकुंद नरवाणे हैं। और यहाँ पे अगर जो बात करें सीडीएस की, अगर जो बात करें तो बिपिन रावत हैं चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? आरकेएस भदौरिया हैं। नौसेना अध्यक्ष है करमवीर सिंह हैं। और भारतीय तटरक्षक बल के जो है महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एम ए गणपति जो है एनएसजी के एक प्रकार से महानिदेशक है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के एक प्रकार से आरपीएफएस तब महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार को जो है एक प्रकार से नियुक्त किया गया है। अगला का जो केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल सीआईएसएफ की बात करें तो महानिदेशक कौन है? सुभेद कुमार जायसवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? कुमार राजेश चंद को नियुक्त किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। पार्किंसन एक रोग होता है, मस्तिष्क की एक बीमारी है जिससे होने पर जो है मतलब किसी को हो जाती है तो व्यक्ति के चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और शरीर में कंपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह बीमारी तब होती है जब मस्तिष्क एक क्षेत्र का तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन नष्ट होने लगते हैं। उद्देश्य क्या है? एक दिवस में मनाने पर पार्किंसन बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। पार्किंसन के बारे में लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है। दुनिया में अगर जो बात करें वर्तमान में दुनिया में भर में जो है पार्किंसन से जो है 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं। इसके इलाज के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं। संतुलित आहार एवं व्यायाम की बीमारी से रोकने में क्या कर मदद की सकती है? विश्व पार्किंसन दिवस 2020 की थीम क्या है? मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ जो है विश्व पार्किंसन दिवस जो है एक प्रकार से थीम है। इसके अगर जो बात करें तो ये मस्तिष्क पर सीधा अटैक करने वाली एक बीमारी है। तंत्रिका तंत्र पर न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं इसके द्वारा और मनुष्य के एक प्रकार से चलने फिरने की गति जो है धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है, शरीर में क्या हो जाती है कंपन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ये इस बीमारी का एक प्रकार से लक्षण है। मार्च में टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवस कौन से? सॉरी एक मिनट, ये कह रहा है मार्च के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की अगर जो बात करें तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। इसका जो थीम है वो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी ऑफ द वेल बीइंग, ये जो एक प्रकार से इसकी जो है क्या है थीम है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की ये 21 मार्च को जो है मनाया जाता है। अब विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। महासागर जलवायु परिवर्तन मौसम विज्ञान संकट द ओशियन ऑफ अवर क्लाइमेट चेंज ये एग्जाम में क्वेश्चन है, इसकी इंपॉर्टेंट और ये थीम भी इसकी पूछी जा सकती है। महासागर हमारी जलवायु और मौसम ये दोनों इंपॉर्टेंट है। विश्व क्षय रोग दिवस जो है एक प्रकार से वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 24 मार्च को एक प्रकार से मनाया जाता है और इसकी थीम की अगर जो बात करें तो थीम द क्लॉक इज टिकिंग, जो इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। अर्थ अवर डे की अगर जो बात करें तो 27 मार्च को मनाया जाता है। ये बस इतना इंपॉर्टेंट है कि अर्थ अवर डे कब मनाया जाता है। अगर जो हम थीम की बात करें तो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन द क्लाइमेट चेंज ऑफ सेव्ड अर्थ जो है एक प्रकार से ये इसकी जो है थीम थी। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। थीचर सिनेमा एंड कल्चर कल्चर ऑफ बीस ये जो है इसकी जो है थीम थी। अगला जो बात करें तो किस देश के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो है उच्च आय प्राप्त करने वाले कंपनियों को एकजुटता कर लगाने का एक प्रकार से प्रस्ताव किया है? तो वो आईएमएफ ने जो है एक प्रकार से ये किया है। तो आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उच्च आय वाले जो कंपनियों पर एकजुटता क्या कर लें कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। आईएमएफ के अनुसार जो है अस्थायी कर होगा और यह अस्थायी कर सामाजिक असमानता को कम करने में भी मदद करेगा और पिछले साल आर्थिक समस्या के स्वास्थ्य संकट से बड़ा है।
आईएमएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आईएमएफ के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को सिंधी में बोलते हैं। स्थापना की बात करें 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। 190 सदस्य देश हैं। अध्यक्ष जो है क्रिस्टलिना जो है जॉर्जिया जिसके जो है अध्यक्ष हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट जो है संगठन जो है जारी करता है उनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। वर्ल्ड सोशल प्रोटेस्टेंट रिपोर्ट जो है आईएलओ जारी करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आईएमएफ जारी करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर जो बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो जारी करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है जारी करता है आईबीआरडी जारी करता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक जो है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है आईबीआरडीए। और ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको क्या करता है जारी करता है। भारत में टीका उत्सव 2021 में कब तक मनाया जाएगा? टीका उत्सव कब तक मनाया जाता है? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है टीका उत्सव जो है मनाने की बात इस बार की गई है। अगर जो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की यहाँ पे बात करें तो टीका उत्सव टीका पर जो एक प्रकार से ये क्या है पर्व है और 11 अप्रैल 2021 को 14 अप्रैल 2021 के बीच ये आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना टीकाकरण करना और COVID-19 वैक्सीन को शून्य अपव्यय पर ध्यान केंद्रित करना है। मतलब COVID-19 के कारण लोगों के तो एक प्रकार से शून्य अपव्यय हो, खर्चा कम हो, इस पर जो है ध्यान केंद्रित करना। कोरोना वायरस की अगर जो बात करें तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो है चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान में फैले कोरोना वायरस में हुई बीमारी में COVID-19 जो है इसको नाम दिया गया था। वुहान में जो है SARS-CoV-2 इसका जो है नाम दिया गया। और कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जो है एक प्रकार से क्या है वो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है, मुकुट के जैसा स्ट्रक्चर प्रकार से स्ट्रक्चर है। और अगर जो हम बात करें कि कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को एक प्रकार से सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अगला अगर जो हम कोविड वैक्सीन पे पाए जाने वाले COVID-19 वैक्सीन पाने वाले जो है पहली भारतीय कौन है? मनीष कुमार जो है इन्होंने COVID-19 की एक प्रकार से इनको पहली वैक्सीन जो है दी गई है। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक की अगर जो बात करें न्यूजीलैंड जो है पहले स्थान शीर्ष पर है और भारत जो है वो 86वें स्थान पर है। कोवैक्स की अगर जो बात करें तो मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश जो है कौन है? कोवैक्स वैक्सीन को एक प्रकार से मुफ्त टीका पाने वाला पहला देश जो है वो घाना बन चुका है। कोरोना वायरस आरोग्य सेतु ऐप को ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था? वो अजय देवगन को एक प्रकार से नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है किस देश के भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का एक प्रकार से कोच नियुक्त किया गया है? वो हरेंद्र सिंह को जो है एक प्रकार से इसका कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय एक हॉकी टीम के जो है पूर्व प्रशिक्षक जो है हरेंद्र सिंह अमेरिकी पुरुष टीम का जो है इनको नया कोच जो है बनाया गया है। अमेरिका की अगर जो बात करें तो अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक प्रकार से बात करें यूएसए इसमें ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है स्थित है। कौन सा भाग है यूएसए इसको बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी की अगर जो बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। करेंसी की बात करें तो अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति यहाँ के 46वें जो बाइडेन बने हैं और कमला हैरिस जो है यहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है अभी जो भारतीय मूल से जो है संबंध रखती है। अमेरिका में स्पेस एजेंसी का जो नाम है नासा, नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और अगर जो हम यहाँ पे बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय है। अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटोमैक नदी के किनारे पर जो है अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी वो स्थित है। अमेरिका के संसद का नाम जो है कांग्रेस है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया एग्जाम में बच्चे नहीं कर पाते हैं तो क्या नाम है? कांग्रेस। और यूएसए की सबसे लंबी नदी जो है मिसौरी नदी है। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे पर है और यूएसए की सबसे लंबी नदी जो है मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का विश्व में सबसे बड़े देशों में कौन सा मतलब चौथे स्थान पर अमेरिका का स्थान प्राप्त है? और चीन की जनसंख्या के मामले में अमेरिका वो मतलब कौन से स्थान पे तीसरे, चीन तो है पहले स्थान पे है। और अमेरिका का सबसे लंबा एक प्रकार से पर्वत अगर जो बात करें तो राकी माउंटेन जो है अमेरिका का सबसे लंबा
पर्वत है, यहाँ पे सबसे लंबा पर्वत की बात कर रहे हैं, राकी माउंटेन है, ऊंचे पर्वत की नहीं। अमेरिका के एक प्रकार से घास के मैदानों का नाम जो है प्रेरी घास के मैदान है। पहला लिखित संविधान किस देश का है? जिसने पहला लिखित संविधान बनाया था वो अमेरिका ही था, जिसने पहला लिखित संविधान बनाया था। अमेरिका का संविधान एक प्रकार से क्या मतलब, अमेरिका के संविधान से क्या क्या भारत के संविधान में लाया गया है उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं, जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कहने का मतलब है प्रस्तावना पर विचार। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, और एक प्रकार से प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार आया है ये कहाँ से आया है? ये अमेरिका के संविधान से आया है। मौलिक अधिकारों की अगर जो बात करें तो मौलिक अधिकार जो आए हैं वो भी अमेरिका से ही आए हैं, और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो है ये भी अमेरिका से आई है। संविधान की सर्वोच्चता जो है वो भी अमेरिका से है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका से है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ही आई है। और न्यायिक अधिकारों की अगर जो बात करें तो ये भी अमेरिका के हैं, और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान ये भी अमेरिका से जो है आए हैं। मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप में जो है प्रकार से मोना लोवा ज्वालामुखी स्थित है अमेरिका में। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं। अगला क्वेश्चन है अख्तरी द लाइफ ऑफ लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बिगेन अख्तर, ये पुस्तक किसने लॉन्च कहाँ से एक प्रकार से लॉन्च हुई, किसने लिखी है इसको? ये पुस्तक लॉन्च हुई है, इसको किसने लिखी है? यतीन्द्र मिश्रा ने जो इस पुस्तक को लिखा है। अगर जो हम टॉप 5 पुस्तकों की बात करें तो नो द एंटी नेशनल पुस्तक जो है आरएसएन ने सिंह ने जो लिखा है। गिल्ली डंडा गोल्फ ये पुस्तक किसने लिखा है? राम वर्मा ने लिखा है। न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना जियोपॉलिटिकल ऑफ एशिया जो है पुस्तक किसने लिखा है? किंग्सु नाग ने जो है लिखा है। बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट ये पुस्तक किसने लिखा है? राम माधव ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसने लिखा है? अनिद्या दत्ता ने जो इस पुस्तक को लॉन्च लिखा है। पूर्वी कैरिबियन एक प्रकार से द्वीप की बात करें सेंट विंसेंट किस निष्क्रिय जो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, कौन से निष्क्रिय ज्वालामुखी जिस पर विस्फोट हुआ है? वो ला सफरिया जो ज्वालामुखी है इसमें विस्फोट हुआ है। अगला को जो बात करें ला सफरियार ज्वालामुखी, फ्रांसीसी भाषा में ला सफरियार का अर्थ होता है सल्फर आउटलेट। 1918 के बाद जो है 5 विस्फोट इसमें हो चुके हैं ला सफरियार ज्वालामुखी में 1718 के बाद, यहाँ 1918 गलत है, 1718 के बाद जो है यहाँ पे 5 विस्फोट हो चुके हैं। ला सफरियार ज्वालामुखी जो है स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये एक प्रकार से स्ट्रेटो वोल्केनो है या द्वीप का सबसे छोटा और सबसे उत्तरी जो है ज्वालामुखी है। ला सफरियार ज्वालामुखी कैरिबियाई और टेक्टोनिक प्लेट में जो है कैरिबियाई की अगर जो बात करें कैरिबियन की अगर जो बात करें तो अमेरिकी महाद्वीपों का एक प्रकार से क्या है वो क्षेत्र है कैरिबियन, और जिसमें जो है कैरिबियन सागर शामिल किया जाता है, और 700 से अधिक इसमें यहाँ पे क्या है द्वीप है। अगला क्वेश्चन है एक्सेस अवार्ड 2021 इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स की श्रेणी में स्पोर्ट्स ऑफ द डिकेड्स अवार्ड किसने जो है जीता है? वो एमसी मैरी काम ने जीता है। एमसी मैरी काम की अगर जो हम बात करें तो बॉक्सिंग में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एमसी मैरी काम, एमसी का एक प्रकार से पूरा फुल फॉर्म है माइक थे चेंगने इन जैंग मैरी कॉम, इनका जो पूरा नाम है एक्सेस अवार्ड 2021 की इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स की श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड इन्होंने जो जीता है। एमसी मैरी कॉम जो है 6 बार बॉक्सिंग की चैंपियन रह चुकी हैं, 6 बार बॉक्सिंग की एक प्रकार से चैंपियन रह चुकी हैं। और यहाँ मैरी कॉम की अगर जो बात करें तो मैरी कॉम का पूरा नाम मांगते चेंगने जिंग जैंग है मैरी कॉम है एक प्रकार से इनका नाम है। मैरी कॉम किस राज्य से रिलेटेड है? मणिपुर राज्य से रिलेटेड सुपर मोम के नाम से किसको जाना जाता है? मैरी कॉम को जाना जाता है। अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी किनकी है? अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी जो है मैरी कॉम की है। और मैरी कॉम फिल्म अभिनेत्री कौन है? प्रियंका चोपड़ा। मैरी कॉम की जो फिल्म अभिनेत्री बनी थी उसकी कौन है? प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया था। रिवीजन के अगर जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो भारत में पहली जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन से लिथियम बैटरी जो है संयंत्र किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है? उसको कर्नाटक राज्य में जो है स्थापित किया गया है।
एशिया मनी बेस्ट अवार्ड्स द्वारा बेस्ट अवार्ड्स किस बैंक के द्वारा इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल 2021 इंडिया आज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है, वो DBS बैंक है। भारतीय सेना के उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को जो है विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। मस्तिष्क से रिलेटेड एक बीमारी है जिससे किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उच्च आय प्राप्त करने वाले देशों की कंपनियों की एकजुटता कर एक प्रकार से कर लगाने का जो है प्रस्ताव किसने किया दिया है, वो IMF ने जो है दिया है। भारत में टीका 2021 में टीका उत्सव जो है एक प्रकार से 2021 कब से कब तक मनाने का बात की गई है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है मनाने की जो है बात की गई है। किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का कोच जो है नियुक्त किया गया है, हरेंद्र सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। अख्तरी द लाइफ ऑफ म्यूजिक एंड बेगम अख्तर पुस्तक किसने लॉन्च की है, पुस्तक किसने लॉन्च की हुई है, यतीन्द्र मिश्रा ने इसको लॉन्च की है। पूर्वी करीबिया युद्ध जो है सेंट विसेंट किस निष्क्रिय ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ है, वो लॉस अफ्रियार ज्वालामुखी पे जो है विस्फोट हुआ है। एक्सेस अवार्ड 2021 इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स की श्रेणी में स्पोर्ट्स ऑफ द वुमेन डिकेड्स अवार्ड किसने जीता है, MC मैरीकॉम ने जो है इसको जीता है। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ये करंट अफेयर का लेक्चर 12 अप्रैल का यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगला जो तेरा लेक्चर होगा वो नेक्स्ट आएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।